माय चैनल क्रिएटिव कुड़ी। सो आज की मेरी जो ये वीडियो है उसमें मैंने एक बहुत ही न्यू पैटर्न का एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डिज़ाइनर ब्लाउज क्रिएट किया है। एंड ये जो ब्लाउज है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो ब्लाउज है उसका कुछ जो लुक है वो कुछ इस तरीके से फ्रिल पैटर्न में आ रहा है। इस टाइप के जो आप बोलोगे कि ये न्यू तो नहीं है, हाँ ये कुछ केप टॉप के जैसा है, केप ब्लाउजेस के जैसा है। बट जो केप टॉप जो होते हैं वो पूरे सर्कुलर होते हैं, बट मुझे पूरा सर्कल पसंद नहीं आता था, तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल जो होते हैं वो मैंने सिर्फ हाफ स्लीव का रखा है एंड पूरे बॉडी तक में मैंने उसे पूरा सर्कुलर बनाया है ना। एंड आप देख सकते हो कि ये जो ब्लाउज है वो कुछ दिखने में कुछ इस तरीके से आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद अभी वेडिंग सीजन्स की भरमार आने वाली है, क्योंकि 2020 आपको पता है कोरोना में निपट गया है। 2021 में जितने लोगों ने शादी नहीं करी थी उन सब की शादियां 2021 में होने वाली है। सो अगर आपको भी पार्टी या वेडिंग्स के इनविटेशन आने वाले हैं तो उनकी तैयारियां आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। एंड ये वाला जो ब्लाउज है उसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बस मेरी इस वीडियो को देखना है एंड पूरा ट्यूटोरियल बहुत ही ईजिली आप समझ जाओ। एंड जो ये फ्रिल है उस पर मैंने कुछ इस तरीके से स्टोन्स के डिटेल ऐड किए हैं। आप देख सकते हो कि ये जो स्टोन है उसको लगाने से ये जो ब्लाउज है वो बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर टाइप का आता है। एंड इस टाइप के ड्रेसेस मोस्टली बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, सो अगर आप इस तरीके के ड्रेसेस को पहन के जाओगे तो आप ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हो किसी भी पार्टी में। आप चाहो तो आप इसे साड़ी के साथ पहनो, आप चाहो तो आप इसे स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हो। सो होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर चंदेरी सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है एंड उसकी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर कॉटन लाइनिंग लिया है। और जो फ्रिल्स है उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइनिंग की कटिंग करूंगी, तो लाइनिंग की कटिंग करने के लिए मैं लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 2 फोल्ड किया है एंड उसके बाद मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है। तो फोल्डेड जिधर भी हमारा फोल्डेड पार्ट है, जो हमारा क्लोज पार्ट है, उधर की तरफ मैं अपना एक फिटिंग कोई ब्लाउज लूँगी। आप देख सकते हो कि मैंने नीचे 1 इंच का गैप छोड़ रखा है एंड उसके ऊपर जैसा भी हमारा ब्लाउज है 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं पूरे ब्लाउज की मार्किंग कर लूँगी। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ा है एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं पूरे ब्लाउज की मार्किंग कर लूँगी। एंड मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लाइनिंग को कट कर लिया है, जिसमें मेरा जो लाइनिंग है वो 2 पीसेस आए हैं। मैंने अपने बैक और फ्रंट दोनों की जो नेक है वो मैंने सेम रखी है एंड जैसे मैंने लाइनिंग कट करी थी उसी तरीके से मैं अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं डार्ट लगाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट पर डार्ट लगाने के लिए मैं अपने फैब्रिक को, जो ब्लाउज का पीस मैंने कट किया था, उसे मैं 2 फोल्ड करूंगी और सेंटर से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूं एंड बॉटम से मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूं। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा फोल्ड होकर के, तो 5 इंच पे आप देख सकते हो कि ये इन टोटल 5 इंचेस आएगा। एंड बॉटम में मैं 1.5 इंच का इस तरीके से गैप ले रही हूँ एंड उसे एक स्लैंट लाइन मिला करके इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लूँगी एंड इसी तरीके से मैं दूसरे तरफ भी मार्क ले लूँगी। तो आप देख सकते हो कि डार्ट लगाने के लिए दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है एंड इसी तरीके से मैं अपने लाइनिंग पे भी मार्किंग कर लूँगी और हम डार्ट लगा लेंगे। अब हम अपने नेट के फ्रिल को कट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर, मेरे पास नेट का फैब्रिक है
इसे हमें फोर फोल्ड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फोर फोल्ड कर लिया है, अब इसकी जब हम मेजरमेंट लेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 10 इंचेस है, इसकी लेंथ जो है वो भी 10 इंचेस है एंड जो ब्रेथ है वो भी 10 इंचेस है। अब 10 इंच का हमें एक सर्कल बनाना है, तो जहाँ पे हमारा फोल्डेड वाला पार्ट था वहाँ से मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी और उसी से मैं इस तरीके से 10 इंचेस सेंटर से लेकर के मैं पूरे इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी एंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दो सर्कल्स कट करने हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। अगर आपको सिर्फ फ्रंट में अगर सर्कल लगाना है तो आप सिर्फ एक ही सर्कल कट करिएगा। सो आप देख सकते हो कि मेरा जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से आया है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड नहीं करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करेंगे और उसे फिर फोर फोल्डेड कर देंगे। और जो हमारा ब्लाउज का जो नेक था उसे मैं डबल फोल्ड करूँगी इस तरीके से एंड फोल्डेड पार्ट के ऊपर मैं इसे प्लेस करूंगी एंड फिर इसे मार्क करके जितना भी इसका नेक है उसे मार्क कर लूंगी एंड मार्क करने के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो ये जो हमने सर्कल कट करा है वो हमारे नेक का डबल पार्ट है एंड जो हमारा छोटा तरफ वाला जो एरिया था उसे भी हम कट कर लेंगे। सो ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हो। एंड जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे मैं एक पेपर रखूंगी एंड पेपर पे मैं कुछ फैब्रिक, इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टोन्स एंड पर्ल्स यूज़ करे हैं एंड फैब्रिक ग्लू को मैं इसके ऊपर गिराते जाऊँगी एंड इसके ऊपर अप्रॉक्स 2 इंच का मैं बॉर्डर बनाऊँगी। अब अपने रैंडम मैं स्टोन्स को चिपकाती जाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टोन्स को भी चिपका लिए हैं, दोनों दो मैंने सर्कल कट करे थे एंड दोनों पे मैंने स्टोन्स को चिपका लिया है और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम उसे अपने ब्लाउज पे अटैच करेंगे, जो हमारा फ्रिल है उसे हम अपने ब्लाउज पे अटैच करेंगे। तो ब्लाउज पे अटैच करने के लिए आप देख सकते हो कि जो हमने फ्रिल का जो सर्कल कट करा था वो नेक के सर्कल का डबल है, तो उसे हम छोटे छोटे प्लीट्स बनाते जाएंगे और सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे से प्लीट्स लगा रही हूँ एंड छोटे छोटे से प्लीट्स लगाने के बाद इसे हम सिलाई लगा करके जॉइंट कर लेंगे एंड सिलाई लगा के जॉइंट करने के बाद अब हम इसको राइट साइड की तरफ रखेंगे एंड उसके ऊपर हम लाइनिंग को उसी के पैटर्न में प्लेस करेंगे एंड उसके नेक को सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। एंड जो हमारा आर्म होल है उधर भी हम सिलाई लगा करके अपने मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि नेक की सिलाई मैंने लगा दी और जो आर्म होल है उसके लिए मैं अपने फ्रिल को साइड करूंगी एंड दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जॉइंट करते हुए आर्म होल को भी हम सिलाई लगा के अच्छे तरीके से अटैच कर देंगे। हम अपने दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे एंड जॉइंट हो चुका है हमारा। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के तीनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है एंड जितना भी हमारा सिलाई वाला पार्ट्स था वहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ इस तरीके से एंड कट्स लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा नेक है और जो हमारा आर्म होल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नीटली अच्छी तरीके से हेम हो गया है और सिलाई वाला कुछ भी पार्ट हमारे को विजिबल नहीं हो रहा है। सो ये कुछ जो हमारा पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से पलट लेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डाट की भी सिलाई लगा दी है एंड दूसरे पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करूंगी इस तरीके से कि हमारे दोनों राइट साइड एक तरफ हो जाए और शोल्डर्स को हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे और जो हमारा साइड है उधर भी मैं एक सिलाई लगा करके साइड को भी जॉइंट कर दूंगी। तो मैंने सिर्फ एक तरफ ही सिलाई करी है, दूसरे तरफ मैंने सिलाई नहीं करी है। दूसरे तरफ अब हमें जिप लगाना है क्योंकि हमने बैक में हुक लगाने के लिए जगह नहीं छोड़ा था। तो मैं जिप को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करूंगी एंड इसे पिन से अच्छे तरीके से अटैच कर दूंगी एंड आप देखोगे कि जब हम इसे पलटेंगे तो जिप भी हमारा बहुत ही नीटली अच्छे से लग जाएगा एंड दूसरे पार्ट पे भी हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड जो बाकी बचा हुआ जो हमारा जिप है उसे हम कट कर लेंगे।
तो कट हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जिप भी लग गई है और जो ब्लाउज है मेरा वो बन करके बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो ब्लाउज है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो आप भी इस तरीके के ब्लाउज को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। सो होप मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm not afraid to die.